हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सेवेंटीन ऑफ मे 2021 तो so, 17 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट किया है अगर आपको ज्वाइन करना है वो सीरीज तो आप नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन कमेंट में दी हुई है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ फ्रेंड्स सबसे पहले आज के सवाल पहला सवाल है वॉट इज अ बायोटॉप टॉप व्हाट इज अ बायो Biotope. Biotope. The options are it is an ecosystem that supports the genetic mutation of a contiguous ecosystem. B. Option is it is a well defined geographical area characterized by specific ecological conditions. C. It is a biome that harbors all the species of the same phenotype. D. It is a community of species that reproduces entirely by asexual reproduction. बायोटोप क्या होता है तो पॉज करिएगा आप अटैम्प्ट जरूर करिएगा अपनी तरफ से नो लेट मी टेल यू आंसर बायोटोप होता है बी इसका करेक्ट आंसर है एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होता है बायोटोप एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसमें कैरेक्टराइजेशन होता है बाय स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशन उसकी कुछ इकोलॉजिकल कंडीशन होती हैं लेकिन यह वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होता है ठीक है ना दूसरा सवाल है कि इनमें से स्टेटमेंट्स दिए हुए नीचे आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ठीक है पहला स्टेटमेंट कह रहा है एन इकोलॉजिकल नीश इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल और अ प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम इकोलॉजिकल नीश की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नो टू स्पीशीज कैन हैव द एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीशेज अब आपको बता रहे हैं तो पॉज द वीडियो एंड डू आंसर दिस क्वेश्चन इसका इसका आंसर 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 आप जरूर करिएगा लेट मी टेल यू जो होगा होगा वो डी नन ऑफ क्यों दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि गलत कोई स्टेटमेंट है ही नहीं तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं होगा तो नन ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर इकोलॉजिकल नीच का भी डेफिनेशन सही लिखा हुआ है ये फंक्शनल रोल होता है ऑफ अ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम एंड दो स्पीशीज का एग्जैक्ट आइडेंटिकल

सिंपैट्रिक स्पीशीज या थ्रेटेंड स्पीशीज इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर है ए की स्टोन स्पीशीज मतलब ऐसी स्पेशीज जिनके ऊपर दूसरे स्पीशीज का भी सर्वाइवल uh, डिपेंड करता हो वो कहलाती है की स्टोन स्पीशीज कहलाती हैं ठीक है ना सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट थ्री क्वेश्चन आई थॉट यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं आज का जो मेंस क्वेश्चन ऑफ़ द डे है द प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एडटेक एप्स इज अंडर इंक्रोचमेंट डिस्कस द कंसर्न्स अलोंग विद द नीड फॉर एन एथिकल पॉलिसी टू रिड्रेस दीज कंसर्न्स ठीक है ना तो प्राइवेसी जो है स्टूडेंट्स की हु आर यूजिंग द एड टेक एप्स इज अंडर इंक्रोचमेंट तो पहले तो आपको ये इसको डिस्कस करना है अलॉन्ग विद द नीड of an ethical policy you should also mention about the need of an ethical policy to redress these concerns i hope you will try to answer these questions in the comment section below अब आगे मूव करते हैं प्रलम्स न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे की तरफ जिसमें हमने दूसरे न्यूज़पेपर्स अलग अलग वेबसाइट्स का कंटेंट भी लाया है ठीक है ना तो लेट्स मूव टू दैट पहली जो न्यूज़ है वो है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लोकेटेड इन लंडन विल डिस्प्ले द पीस ऑफ अ मीटियोरॉयड अब नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो है लंडन में लोकेटेड है वो एक मीडियोराइड का पीस डिस्प्ले करेगा विच टच डाउन इट्स टाउन ऑफ विंच कॉम्ब तो विंच कॉम्ब नाम का एक टाउन है आपके यूके में ही ये टाउन सिचुएटेड है विंच कॉम नाम का ये विंच कॉम्ब इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा ठीक है ना और ग्लॉस्टर शायर में है ये यूके में एंड वहाँ पर एक मेटेराइड गिरा था फेबररी 2021 में 2021 फरवरी में ही एक मीटेराइड गिरा था उसको शोकेस किया जाएगा नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लंडन द्वारा ठीक है ना अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मीटेराइड क्योंकि ये मीटेराइड जो है ये लगभग फोर बिलियन ईयर्स ओल्ड है चार बिलियन ईयर ओल्ड है एंड दिस मेटेराइड इज़ बिलीव टू हैव गिवन गिव द क्लूज़ ऑफ़ द बिगनिंग ऑफ़ द सोलार सिस्टम तो ये जो मीटोरॉइड है ये बिगनिंग ऑफ द सोलार सिस्टम की क्लूज दे सकता है प्लस ये जो मीट्योराइट है बहुत रेयर कार्बोनेशियस मीट्योराइड है क्योंकि लगभग पैंसठ हजार टाइप के जो हैं उसमें केवल एक हजार ही ऐसे हैं जो कि कार्बोनेशियस हैं अदरवाइज रेस्ट ऑल आर डिफरेंट टाइप्स तो ये मिट्योराइड जो है कार्बोनेशियस मिट्योराइड है एंड मिट्योर है दैट इज अगेन वेरी रेयर तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मिटियोर मिटियोरोइड और मीटियोराइट में क्या डिफरेंस है मैंने बताया हुआ है कई बार आपको मिटियोर meteor, मिटियोरोड और मिट्योरॉइट इन तीनों में क्या डिफरेंस है ठीक है ना तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो है ना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो आप लाइक भी कर दिया करिए है ना तो अगर आपको पसंद आती है तो यू कैन लाइक द वीडियोज फ्रॉम योर साइड दैट इज ऑल वी वॉन्ट दूसरी जो न्यूज है वो है एयर इंडिया रिसेंटली एयरलिफ्टेड थर्टी फाइव टन ऑफ जियोलाइट Uh, अब ये जियोलाइट जो है उसको एयर इंडिया ने लिफ्ट किया है वॉट इज दिस जियोलाइट यूज फॉर सो दिस इज नाउ बींग यूज इन द ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स में इसका यूज़ किया जा रहा है है ना एंड ये रोम से बेंगलुरु लाया गया है रोम से बेंगलुरु लाया गया है ठीक है ना एंड जियोलाइट्स होते क्या हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स मिनरल होते हैं दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स मिनरल एंड दे आर माइक्रोपोरस मटेरियल दैट इज़ यूज एज एडजॉर्बेंट एंड कैटलिस्ट इसको यूज़ किया जाता है एज एन एडजॉर्बेंट और कैटलिस्ट के रूप में जियोलाइट्स होते क्या हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स मिनरल होते हैं एल्यूमिनोसिलेट्स मिनरल होते हैं एंड दे आर बींग यूज इन द ऑक्सीजन प्रोडक्शन रोम से लाए जा रहे हैं बेंगलुरू में यूज़ किए जा रहे हैं ठीक है ना एंड दे केन एकोमोडेट कटायंस चाहे के प्लस एन ए प्लस सी ए टू प्लस एम जी टू प्लस दटायंस को यानी पॉजिटिव आयन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं जैसे कि के प्लस हो गया एन ए प्लस हो गया सी ए टू प्लस हो गया एमजी टू प्लस हो गया कम्स इन द सोल्यूशन जब सोल्यूशन के फॉर्म टच में आते हैं तो फिर वो ये कटायंस का एक्सचेंज कर लेते हैं फॉर अदर आयन्स इन द सोल्यूशन एंड द मोस्ट कॉमन जियोलाइट मिनरल्स आर स्टिबलाइट स्टिबाइट फिलिप फिलिप्साइट नेट्रोलाइट ह्यूलैंड चैब्जाइट एनालकाइम ठीक है ना तो दीज आर द मोस्ट कॉमन जियोलाइट स्टिबाइट फिलिप्साइट नेट्रोलाइट ह्यूलैंडाइट चैब्जाइट एंड एनल साइम एनल साइन ठीक है ना तो so, इसको याद रखिएगा दीज आर द मोस्ट कॉमन जियोलाइट अवेलेबल ठीक है अब कुछ नेचुरल जियोलाइट्स भी होते हैं दे आर नेचुरली फॉर्म्ड व्हेन द वॉलैनिक रॉक्स रिएक्ट विद द एल्कालाइन ग्राउंड वाटर जब वॉलैनिक रॉक्स एल्काइन ग्राउंड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो नेचुरल जियोलाइट्स बनते हैं वॉलैनिक रॉक्स रिएक्टिंग विद द एल्काइन ग्राउंड वाटर सो रिमेंबर दिस ऑल्सो जियोलाइट्स आर नेचुरली फॉर्मड ऑल्सो इसको याद रखेगा एंड ये ज़्यादातर इम्प्योर रहते हैं तो जो नेचुरली फॉर्मड होते हैं ज़्यादातर इम्प्योर रहते हैं अगली जो न्यूज़ है वो है डूम्स डे स्क्रॉलिंग अब ये थोड़ा एक नया नया टर्म है इसका इसको बोलते हैं डूम्स डे स्क्रोलिंग डूम्स डे

हम उसको दस अलग अलग सोर्स से सर्च कर रहे हैं कई चीज हमको पसंद नहीं आती लेकिन हम वी आर सर्चिंग इट फ्रॉम टेन अदर सोर्सेज ये जो स्क्रोलिंग होती है इस सिनारियों में जो आपने टाइम वेस्ट किया रिगार्डिंग रीडिंग दैट बैड न्यूज एंड ऑल सो दैट इज एक्चुअली द स्क्रोलिंग ठीक है ना और हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम जो बैड न्यूज़ होती है इवन इफ़ वी आर गेटिंग सैड और डिप्रेस्ड बाय दैट वी कंटिन्यूसली विल स्टार्ट रीडिंग दैट तो दैट इज नोन एज द डूम्सडे स्क्रोलिंग एंड डूम्सडे सर्फिंग इज दैट ऑन इसको इसको हम सर्च करते हैं जिसको सर्च करने लगे अगर हम इसी के बारे में सर्च कर करके स्क्रोल करें तो डूम्स डे स्क्रोलिंग हो गया और सर्च करने लगे तो डूम्स डे सर्फिंग हो गया तो दीज आर द टू टर्म्स दैट अगेन कम इन कम इन न्यूज़ जैसे जैसे अलग अलग बैड न्यूज़ आती रहती हैं अब जैसे पैंडमिक चल रहा है तो पैंडेमिक टाइम में भी हम क्या सर्च कर रहे हैं पेंडेमिक कितने केसेस हैं लास्ट 24 आवर्स में कितने केस हुए लास्ट 24 आवर्स में कितनी कितनी डेथ हुई ये सारी अब ये सारी चीज हमको दुखी कर रही है लेकिन हम फिर भी सर्च यही कर रहे हैं तो बेसिकली दैट इज द थिंग व्हिच इज नोन एज डूम्सडे स्क्रोलिंग डूम्सडे सर्फिंग ठीक है ना लास्ट जो न्यूज है वो है चाइनीज मिशन टू मार्स जो तिन्नवे ने अभी रिसेंटली सक्सेसफुली लैंड किया है जिसमें मार्स में लैंड करने वाला चाइना तीसरी कंट्री बन गई है चाइना तीसरी कंट्री बन गई जिसने की सक्सेसफुली लैंड किया आफ्टर द यूएसएसआर एंड यूएसए चाइना इज द थर्ड कंट्री टू डू इट परफेक्टली एंड चाइना ने लैंडिंग जहाँ पे किया उसका नाम है यूटोपिया प्लेनशिया ये याद रखेगा चाइना ने जहाँ पे लैंड किया वो है यूटोपिया प्लेनशिया इट इज अ प्लेस वेयर द वाइकिंग दू लैंडर टच डाउन वाइकिंग टू लैंडर जो था वो भी यहीं टच डाउन किया था वाइकिंग टू कौन से मिशन का था आपको बताना है दिस इज अ क्वेश्चन टू यू वाइकिंग टू जहाँ पे लैंड किया था यूटोपिया प्लेनशिया वहीं पे ही चाइना का तिन्नवे वन भी लैंड किया है एंड यूरोपिया प्लेनशिया एक इंपैक्ट बेसिन है क्रेटर एक्चुअली में इम्पैक्ट बेसिन क्रेटर है जो कि आपका मार्स में लोकेटेड है ठीक है ना इम्पैक्ट बेसिन है इम्पैक्ट बेसिन या फिर क्रेटर आप बोल सकते हैं ठीक है ना सो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल आपको समझ में आ गया होगा ठीक है सो so ये तो कुछ न्यूज़ आइटम्स थे जिनके बारे में बताना ज़रूरी था और आगे मूव करते हैं मैप ऑफ द डे की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स अब आज का जो मैप ऑफ द डे हमने लिया है वो है बाल्टिक सी और अगल बगल की जितनी भी कंट्रीज हैं और कुछ और जो वाटर बॉडीज़ हैं जो हम देख सकते हैं ठीक है ना तो बाल्टिक सी सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये बीच में बाल्टिक सी है ये एक्सटेंशन है आपका अटलांटिक ओशन का ठीक है ना अगर आपसे कोई पूछे कि बाल्टिक सी है क्या तो बाल्टिक सी वैसे जनरली अटलांटिक ओशन का एक एक्सटेंशन है अब हम देखते हैं बाल्टिक सी की बाल्टिक सी की क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो टच करती हैं तो बहुत फेमस कंट्रीज हैं जो कि टच करती हैं बाल्टिक सी को सबसे पहले आपको यहाँ पे डेनमार्क दिख रहा होगा दिस इज डेनमार्क दिस इज द कंट्री दैट टच योर बाल्टिक सी। डेनमार्क सबसे पहले आप याद रखिएगा, ठीक है ना डनमार्क आपका टच कर डेनमार्क में यहाँ पे आपको देखो कोपन हेगन दिख रहा होगा कोपेनहेगन बहुत इंपॉर्टेंट है है ना यहाँ पे कैपिटल है डेनमार्क की तो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ठीक है ना फिर डेनमार्क के बाद ऊपर अगर आप आएँ यहाँ पे जैसे ऊपर आप आए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वीडन दिस इज द सेकेंड कंट्री दैट टचेस डेनमार्क हो गया डेनमार्क हो गया एक डेनमार्क दूसरा हो गया आपका स्वीडन हो गया जो कि टच करता है दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट ठीक है ना तो ये भी आपका सेकेंड स्वीडन याद रखने का देन आप ऊपर आएंगे और तो यहाँ पे आपको देखेगा ये कंट्री है फिनलैंड द ग्रीन वन इज थर्ड वन इज फिनलैंड दिस इज द फिनलैंड विच टच इज टच इज योर ये गल्फ ऑफ बोथनिया भी है यहाँ पे याद रखिएगा स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया भी है तो ये भी आप लिख लीजिए कि स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया भी है और इधर साइड फिनलैंड और स्वीडन दोनों आपका बाल्टिक सिर तो टच करते ही करते हैं ठीक है ना तो ये भी आप याद रखिएगा कि गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में तो अगेन रिमेंबर दिस थिंग फिर यहाँ पे नीचे हम आएंगे और यहाँ पे ये बाल्टिक सी को टच करता है रशिया भी टच करता है चौथा आपके कंट्री की रशिया भी टच करता है एंड आपका यहाँ पे लातविया फिफ्थ कंट्रीज़ लातविया सिक्स कंट्रीज़ एस्टोनिया तो एस्टोनिया लातविया रशिया तीन और कंट्रीज़ हो गई एस्टोनिया लातविया रशिया ये तीनों कंट्रीज़ का नाम याद रखना और नीचे एक और इन्हीं के साथ है लिथुआनिया सेवंथ कंट्री कौन सी होगी लिथुआनिया हो गई ठीक है ना तो पहली कंट्री हमने देखी डेनमार्क दूसरी देखी हमने स्वीडन तीसरी देखी हमने फिनलैंड चौथी देखी रशिया पाँचवीं देखी एस्टोनिया छठवीं सिक्स देखी लातविया सेवनथ देखी लिथुआनिया अब रशिया मैंने वहाँ लिखा था और रशिया का ये देखो कैलिनिन ग्राड कैलिन ग्राड वाला जो पार्ट है वो रशिया का लिथुआनिया के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली बाल्टिक सी से टच करता है इसीलिए मैंने वहाँ पर रशिया लिख दिया था ठीक है ना और लास्ट जो एर्थ कंट्री यहाँ पर टच करती है वो है नहीं एर्थ लास्ट नहीं है नाइन्थ लास्ट होगी एर्थ कंट्री है पोलैंड और यहाँ पे नाइन्थ कंट्री है जर्मनी ठीक है ना तो नाइन्थ कंट्री विल विद जर्मनी तो इसको आपको ये नौ कंट्रीज़ का नाम याद रखना है डेनमार्क पहला हो गया स्वीडन दूसरी हो गई तीसरी फिनलैंड हो गई और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया फिर आपका फिनलैंड तीसरी हो गई चौथी रशिया हो गई पांचवी एस्टोनिया हो गई और यहाँ पे फिनलैंड रशिया और एस्टोनिया के बीच में आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड आता है गल्फ़ ऑफ फिनलैंड कहाँ पर आता है फिनलैंड रशिया और एस्टोनिया के बीच में आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड आता है देख लो है ना यहाँ पर दिख रहा है ना गल्फ ऑफ फिनलैंड तो यहाँ पर ये हो गया तो चौथी रशिया हमने बताई पाँचवीं एस्टोनिया बताई छठवीं सिक्स लातविया बताई सतवीं लिथुआनिया बताई आठवीं पोलैंड बताया और नाइन्थ आपका जर्मनी मैंने बताया तो ये नौ कंट्रीज हैं एंड टच कर टच करते हैं बाल्टिक सी को फिर गल्फ ऑफ बोथनिया अलग से एक दूसरी वाटर बॉडी मैंने बताई फिनलैंड और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड मैंने आपको बताया फिनलैंड रशिया और एस्टोनिया के बीच में और यहाँ पर लातविया और एस्टोनिया के बीच में गल्फ ऑफ रीगा आती है देखिए देखिए यहाँ पर गल्फ़ ऑफ रीगा भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ रीगा दैट इज बिटवीन द एस्टोनिया एंड लातविया एस्टोनिया एंड लातविया के बीच में आप याद रखेगा और गल्फ ऑफ फिनलैंड एस्टोनिया रशिया एंड फिनलैंड के बीच में याद रखेगा ठीक है ना दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस मैप आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द बाल्टिक सी ये नौ कंट्रीज आप याद रखेंगे इसके अलावा गल्फ ऑफ बोनिया गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ रीगा तीन अलग गल्फ्स के बारे में मैंने बताया तो वो भी आप याद रखेंगे आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है इट इज़ गेटिंग बैड टू वर्स फॉर वुमेन वर्कर्स अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये वुमेन वर्कर्स के ऊपर लिखा गया है स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ पैंडमिक तो यहाँ पर ऑथर ने कहा कि वुमेन वर्कर्स जो हैं इन पर्टिकुलरली दे आर दे हैव मेनी डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन्स ओवर देम अगर आप वुमेन्स का देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंज और डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन्स वो ऑलरेडी फेस कर रही हैं और ये जो गैप है बिटवीन मैन एंड द वुमेन ये गैप और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक ठीक है ना एक तो वर्किंग एज का गैप बहुत ज़्यादा था वर्किंग वुमेन का गैप बहुत ज़्यादा था कि बहुत कम वुमेन थी जो काम कर रही थी ऊपर से पैंडेमिक के आने के बाद ये जो गैप है और ज़्यादा वाइडर हो गया और ज्यादा बड़ा हो गया तो अगर आप देखें तो ओनली एटीन परसेंट ऑफ़ द वर्किंग एज वीमेन वर एम्प्लॉयड एज कम्पेयर टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द मैन तो यहाँ पर आप एक फैक्ट देख सकते हैं कि ऑनली एटीन परसेंट ऑफ द वर्किंग एज वीमन वर एम्प्लॉयड एज कम्पेयर टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द मैन तो मैन के कम्पेरिजन में देख सकते हैं आप कि कितनी कम महिलाएं हैं जो कि एम्प्लॉयड थी ना रीजनस इंक्लूड अ लैक ऑफ गुड जॉब बहुत सारे रीजनस हैं जैसे कि एक तो महिलाओं को अच्छे जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं देन इनके सोशल जो नॉर्म्स है वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव्स हैं रिस्ट्रिक्टिव हैं जैसे महिलाओं को अगर रात में काम करने को कहा जाएगा तो फैमिली खुद ही मना करने लगेगी भले वो महिला कर सकती हो वो जॉब सेफ सिक्योर हो लेकिन फैमिली मना करने लगेगी तो रिस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स रहते हैं देन बर्डन ऑफ द हाउस होल्ड वर्क महिला के ऊपर एक अलग से बर्डन डाल दिया जाता है हाउस होल्ड वर्क का जो ये केयर केयर वर्कस हैं ये सारे महिला के ऊपर डाल दिया जाता है हाउस होल्ड वर्कस डाल दिया जाते हैं तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि रिसेंटली रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 ट्वेंटी वन ईयर ऑफ कोविड 19 इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि पैंडमिक ने सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर दिया तो ये ऑलरेडी डिसएडवांटेजेस थे कुछ लेकिन पैंडमिक के आने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई है जैसे कि अगर आप देखें तो लॉकडाउन ने ज़्यादा हिट किस किया है लॉकडाउन ने ज़्यादा हिट महिलाओं को किया है पहली चीज़ तो उनकी जॉब चली गई जॉब जाने के बाद उनका जो हाउस होल्ड वर्क था वो और ज़्यादा बढ़ गया जो फैमिली टेंशनस थी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है ना फैमिली हेल्थ टेंशन भी इंक्रीज़ हो गई देन कई ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पे एक और कुछ और फैक्ट्स लिखे हैं जैसे कि फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन हु लॉस द जॉब्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैड नॉट रिटर्न टू वर्क सैंतालीस परसेंट एम्प्लॉयड वुमेन्स ऐसी हैं जो कि जॉब लॉस कर गई लॉकडाउन के टाइम पर अब दोबारा काम पर नहीं वापस आई हैं एंड वही अगर मेल्स में नंबर देखो तो केवल सात परसेंट ऐसे मेल हैं जो काम पे वापस नहीं आए मेन हु डिड लूज द वर्क वर एबल टू रिगेन इट दूसरा जो फैक्ट है वो ये ऑथर ने बताया कि मेन अगर जॉब लूज कर कर भी रहा है पैंडेमिक में देन ही इज एबल टू रिगेन इट इन सम फॉर्म और दी अदर मान लो या तो वेज कम हो गई लेकिन उसने रिगेन कर लिया दूसरा या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चला गया बट इंडिया में वुमेन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा टफ होता है तो यहाँ पर अगर वुमेन के केस देखेंगे तो ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या वापस से दोबारा किसी दूसरे जॉब में रीगेन कर रही हो तो रीगेन वाला जो परसेंटेज है वो भी मेल्स के फेवर में है ना कि वुमेन के फेवर में तो केवल चार परसेंट से तीन परसेंट ऐसी सैलरीड वुमेन थी जिनकी जॉब लॉस हुई थी लेकिन अब पैंडमिक के लॉकडाउन के बाद जब वो वापस आई तो केवल तीन से चार परसेंट ही ऐसी महिलाएं थी जो वापस आ पाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या अलग से डेली वेज वर्क में तो ये दिखाता कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा हार्म बिकॉज ऑफ द पैंडमिका एंड यहां पर रिम्यूनोरेशन नहीं, नहीं मिलता अगर आप यह देखें तो जो द, जो फीमेल का है, वो उनको नहीं मिलता है और जो महिला लौटी भी हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं लौटी है वो डेली वेज में लौटी है और डेली वेज में जो रिम्यूनोरेशन है तो थोड़ा कम होता है तो रेम्यूनरेशन भी कम है प्लस उनका जॉब तो कम मिल ही रहा है, है ना? इनकम भी कम हो रही है और रिटर्न भी नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ द पैंडमिक फिर ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि वीमेन टेंडेड टू लूज वर्क डिस्प्रोपोर्शनेटली इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री इन विच दे वर इंप्लायड तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपने देखा हो तो कोविड के कारण जो ज़्यादा जॉब लॉसेस हैं वो विमेन के हुए चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो चाहे वो हेल्थ केयर के फील्ड में हो ज़्यादा जॉब लॉस जो हो रहे हैं वो विमेन के हो रहे हैं दैट नॉट ऑफ द मेन ठीक है ना एंड डोमेस्टिक वर्क ऐसे में और ज़्यादा उनका बढ़ता जा रहा है फैमिली सारी साथ रह रही है और ऐसे में घर की जो महिलाएँ उन्हीं को काम करना पड़ रहा है एंड सारे के सारे काम जब उनको करने पड़ रहे तो उनका जो कई ज़्यादा जो जो डोमेस्टिक केयर है डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है ऐसे में घर में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के हर काम भी उन्हीं को करने पड़ते हैं सो दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी दिस इज दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द सोसाइटी है ना एंड वुमेन हैव अर लॉट ऑफ रोल टू प्ले अदर देन दिस हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो एंड सोसाइटी शुड मेक दैम लेट दैम डू देयर वर्क है ना इसके बीच में आरंगा नहीं डालना चाहिए था हर समय सो दैट दीज आर द थिंग्स अगर आप आगे देखो तो ऑथर ने सजेशन भी दिए जैसे कि उन्होंने कहा कि मनरेगा को और ज़्यादा वुमेन टारगेटेड बनाने की जरूरत है वुमेन टारगेटेड बनाओ मनरेगा को दूसरी चीज़ एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी लाओ जैसे मनरेगा है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वैसे ही आप अर्बन गारंटी स्कीम भी लेकर के आओ तब जाकर के वुमेन जो अर्बन एरियाज में है उनको भी जॉब मिल मिल सकेगा और इसमें एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि वुमेन टारगेटेड आप रखो अप्रोच ठीक है ना फिर उन्होंने कहा कि फर्दर उन्होंने प्रपोज किया है कॉर्डिनेटिंग एफर्ट्स बाय द स्टेट्स टू फैसिलिटेट employment of women while also addressing the immediate needs through setting up of community kitchens तो वुमेन्स को जॉब प्रोवाइड करने का ड्यूटी जो है वो स्टेट्स के पास जाता है एंड देन इमीडिएटली आप कम्युनिटी किचन सेटअप किया जा किए जाए ताकि जो हाउस होल्ड टास्क है वुमेन का वो थोड़ा घटे ठीक है ना एंड प्रायोरिटाइजिंग द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनबाड़ी सेंटर्स तो आपकी पेयोरिटी स्टेट्स की पीजोरिटी में आंगनबाड़ी केंद्राज uh, खोलने की जरूरत है स्कूल्स खोलने की जरूरत है एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए उनको वुमेन को प्रमोट किया जाए ठीक है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाए ताकि uh, आप जैसे अभी आप आप क्या चाहो तो पीपीई किट हो सकता है मास्क हो सकता है इनको बनाने के लिए आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो का ठीक है ना एंड एक हार्डशिप अलाउंस कोविड कोविडीन हार्डशिप अलाउंस जो कि अलावेंसेंड रुपीज पर मंथ का रहेगा एटलीस्ट सिक्स मंथ तक आपको देने की जरूरत है ताकि वेमेन्स जो है वो अपने द्वारा पैरों पर खड़ी हो सके अगर वो चाहे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर सके चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सके ठीक है ना ज़्यादा थिंग्स बट दिस इज़ नॉट इनफ सब करने के बाद भी का, काफी नहीं होगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करेंटली इन दर्क शुड सिस्टमैटिकली एड्रेसट्रेंस अराउंड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंतर्गत आपको यह देखने की जरूरत है कि महिलाओं के साथ क्या डिसएडवाटेज डिसद्द, है कि ज्यादा ज्यादा जॉब लॉजि उनके हो रहे हैं ज्यादा जो ट्रबल्स हैं वो वो फेस कर रही हैं तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर आपको यह सब देखने की जरूरत है ना और आपको एडिकुएट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस कंट्री का थोड़ा वीक है उसमें हमको एडिकुएट इन्वेस्टमेंट uh, करने की जरूरत है दीज आर दिंग्स विच हैवीन मैं बाई दिन दिस आर्टिकल आगे मूव करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग द ट्रिब्यूनल सिस्टम दूसरा जो आर्टिकल है तो यहाँ पे ऑथर ने बात किया कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को बनाने की जरूरत है अब अभी क्या हुआ रिसेंटली सेंटर ने क्या किया uh, एक ऑर्डिनेंस लेकर क्या जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल uh, अब ये ऑर्डिनेंस इट हैज बीन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट इसको कहां चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में किया गया है कि इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से कई सारे ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दिया सेंटर ने अबॉलिस्ड सेवरल ट्रिब्यूनल्स लाइक द फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल तो फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल जैसे कई ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दिया ठीक है ना अब यहाँ पे एक केस है ऑथर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक 2019 का उसमें उन्होंने कहा था नो जुडिशल इम्पैक्ट असेसमेंट उसमें कहा था कि जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए आपको कि किसी ट्रिब्यूनल को बंद करोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जुडिशियली तो यहाँ पर कोई स्टडी नहीं की गई जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया था बिफोर एबॉलिशिंग दिस ट्रिब्यूनल्स थ्रू दिस ऑर्डिनेंस पहली चीज़ ऑर्डिनेंस इंकॉर्पोरेटेड दजेशन मद्रास बार एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया ऑन द कंपोजिशन ऑफ अ सर्च सर्च कम सेलेक्शन कमेटी अब यहाँ पे मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्च कम सेलेक्शन कमेटी के बारे में बताया था तो वो पॉइंट जरूर इस ऑर्डिनेंस में इंक्लूड किया गया है बाई द सेंटर उन्होंने एक सर्च कम सेलेक्शन कमेटी बनाई है प्लस एक उन्होंने ईयर बोला था लेकिन ईयर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं रखा है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि पांच साल का फिक्स टेन्योर आपको देना है बट सेंटर ने जो टेन्योर फिक्स किया है थ्रू द ऑर्डिनेंस वो चार साल का फिक्स किया है ठीक है ना प्लस इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में यह भी कहा था कि एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनना चाहिए ठीक है ना नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनना चाहिए जो कि अम्ब्रेला बॉडी के रूप में रहेगा टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल तो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होगा जो कि एक सेंट्रल बॉडी के रूप में काम करेगा सुपरवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगा और वो अपॉइंटमेंट देखेगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स देखेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देखेगा ये सारे काम आपको नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के थ्रू करना है लेकिन ट्रिब्यूनल कमीशन अभी तक बनाई नहीं गई है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन हैज नॉट बीन बिन येट ठीक है ना तो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन हैज नॉट बीन बिन येट ये भी यहाँ पे ऑथर ने बताया है नाउ Uh, यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ बोली द आइडिया ऑफ एन टी सी वॉज अन वॉज फर्स्ट मूटेड इन द एल चंद्रा कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस तो एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस नाइनटीन नाइनटी सेवन में पहली बार जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की बात थी वो की गई थी एंड यहाँ पर जरूरी है कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन जल्द से जल्द बने क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो ट्रिब्यूनल अभी तक टेकअप कर रहे हैं उनको रिमूव कर देगा तो ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो लोड है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का वो नहीं रहेगा और वो फो फुल्ली आपके जुडिशियल फंक्शंस में फोकस कर सकते हैं तो पूरी तरीके से जुडिशल फंक्शंस में फोकस कर सकते हैं इस कारण से ज़रूरी है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए ये बॉडी सेटअप की जाए जो कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनकी रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स और रिगार्डिंग देयर फिनशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये सारी चीज़ें नेशनल ट्राइबल ट्रिब्यूनल कमीशन देखे ठीक है ना तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मैंशन बाई दी ऑथर इन दिस आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी आपको समझ में आ गया होगा शाहिद जमील क्ड्स इंसाकॉग एडवाइजरी पैनल इंसाकॉग मैंने कई दिन से बताया आपको इंडियन सार्स टू जीनोमिक्स कंसोर्टियम है दस इंडिया की टॉप लैब्स के लोग इसके अंतर्गत हैं ये कंसोर्टियम में दस लैब्स के लोग हैं इंडियन सार्स यूबी टू जीनोमिक्स कंसोर्टियम अब ये क्या करता है कि जो इंडियन सार्स यूवी टू वायरस है उसके जीनोम में क्या क्या चेंज हो रहा है किस किस तरीके से वेरियंट बन रहे हैं उसको स्टडी करने का काम ये इंसाकॉग कर रहा है ठीक है ना तो इसको याद रखिएगा उसके जो एमिनेंट वायरोलॉजिस्ट हैं हेड थे

अब एन आई ए अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि यू ए पी एक्ट में एक अमेंडमेंट्स किए गए थे और एन आई ए अमेंडमेंट बिल लाया गया था दो हज़ार उन्नीस का और एन आई ए बॉडी है जो कि यू ए पी ए के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करना है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है तो किसी एक इंडिविजुअल को भी अगर आप टेररिस्ट घोषित करना चाहते हो तो एन आई ए के पास वो पावर है प्लस कुछ नए केसेज जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गए ऑफेंसेज रिलेटेड टू काउंटर फीड करेंसी हो गई साइबर टेररिज्म हो गया ऑफेंसेज अंडर द एक्सप्लोजिव सस्टेंसेज एक्ट नाइन्टीन जीरो एट हो गए ये सारे अब एन के जोडिशन के अंदर ला दिए गए हैं ठीक है ना ठीक है नाउ दीज एन आई ऑफिसर्स हैव सेम पावर एज दैट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस अक्रॉस इंडिया तो इन ऑफेंसेस का जब uh, कहना चाहिए uh, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इनके पास पुलिस ऑफिसर्स वाली ही पावर रहेंगी ऑफिसर्स ऑफ द एन आई ए विल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसिस कमिटेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेज इंडिया के बाहर होंगे उनको भी एन आई ए जो रहेगा इन्वेस्टिगेट करने का पावर रखता है ठीक है ना दैट इज थिंग एंड स्पेशल कोर्ट भी सेटअप किए जाते हैं अंडर द एनआईएनआईएमेंट के थ्रू स्पेशल कोर्ट भी सेटअप किए जाते हैं ताकि फास्ट ट्रैकिंग हो सके ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी टू सी डी एस ई ऑफिशियल्स हेल्ड ऑन ब्राइवरी चार्ज तो सी डी एस ई के ऑफिशियल्स को ब्राइवरी के चार्ज में अरेस्ट किया गया है सी बी आई द्वारा और सी डी एस ई क्या होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है आता है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर किसके अंदर अंतर्गत आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज के अंदर अंदर्गत आता है और मिनिस्ट्री लगती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो सी डी एस ई किसके अंतर्गत आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है और मिनिस्ट्री लगती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स और ये जो सी डी एस सी ओ है ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है रिगार्डिंग दिज हेल्थ एंड ऑल ड्रग्स रिलेटेड और ये आता है सी डी एस ई बेसिकली एक्ट आता है एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डी सी ए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है आपका उसके अंतर्गत ये आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत आता है नाइनटीन फोर्टी का एक्ट है आई थिंक नाइनटीन फोर्टी का एक्ट है आप एक बार ये चीज़ चेक करके मुझे बता सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि कॉस्मेटिक्स एक्ट कब का है सीडीएससी की कृषि के अंतर्गत बना है ठीक है ना और सीडीएससी रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स

These are the things which are important. I hope you got clarity regarding this also. आगे मूव करते हैं वायरस सिचुएशन वर्सेंस अमंग द ट्राइबल्स अब कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ है जिसके अंतर्गत ये वायरल की वायरस का जो पैंडमिक है उसकी सिचुएशन वर्स होती जा रही है यहाँ पे दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का नाम है ये सब ये दोनों पी वी टी जी यानी कि पर्टिकुलरली वेलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पी वी टी जी क्या होते हैं ये वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो सारे ट्राइबल ग्रुप्स में सबसे अधिक अभी भी सबसे अधिक प्रिमिटिव हैं सबसे अधिक अभी भी अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं और मोस्ट एक तरह से आप बैकवर्ड ऑफ़ द ट्राइब्स भी बोल सकते हैं मोस्ट बैकवर्ड ऑफ़ द ट्राइब्स भी यही हैं मतलब अभी इन्होंने क्या है मॉडर्न मीन्स को अपनाया नहीं है बिल्कुल अभी इनका रहन सहन वैसा ही है जैसा पहले रहा ठीक है ना पी वी डी जीज तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं अगर इंडिया में पूछा जाए कितने पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो लगभग सेवनटी फाइव पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप सेवेंटी फाइव पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं मोस्ट नंबर आर इन उड़ीसा सबसे अधिक जो नंबर है वो उड़ीसा में लाई करता है ठीक है ना अभी जिन पी वी टी का हम नाम लेंगे रिगार्डिंग द वायरस सिचुएशन वो है डोंगरिया खोंड डोंगरिया खोंड उड़ीसा की ही एक पी वी है जो कि नियामगिरी हिल्स में राई लाई करती है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की नियामगिरी हिल्स में डोंगरिया खोंड कम्युनिटी एक कम्युनिटी है जो कि परेशान है एंड मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट बोंडा हिल्स यहाँ पर बोंडा कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट पे है बोंडा कम्युनिटी ठीक है ना तो बोंडा हिल्स दैट इज़ अनदर कम्युनिटी विच इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड नाइन्टीन एन ऑल ठीक है ना इसको याद रखिएगा ठीक आ, तो पहली कौन सी थी नियामगिरी हिल्स में डोंगरिया खोड्स एंड दूसरी मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में आपका बोंडा बोंडा हिल्स में ठीक है ना बोंडा कम्युनिटी ठीक है ना तो ये दो कम्यूनिटी जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है एंड यू के प्रिपेयर्स टू रीओपन बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉइंट टू स्टूडेंट पार्क वरी तो यहाँ पर ये भी बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन जो है ये इंडिया आ, इंडियन स्ट्रेन कहलाता है कोविड का इंडियन स्ट्रेन है तो ये यहाँ से यू के भी काफ़ी परेशान है है ना सी आर थिंग्स विच आमपोर्ट आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगारिंग टू डेज न्यूज पेपर अनालिसिस प्लीज़ डू लाइक है स्कीप लविंग है स्कीप शेयरिंग थैंक यू एम एम नाइक्स डे